नागपुर जिले में बहुजन समाज पार्टी की ओर से दो उम्मीदवार दिए गए हैं। इन उम्मीदवारों के लिए शनिवार को शहर में नारा नारी में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उम्मीदवार की जिताने का संकल्प लिया गया। इस बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारी ने बीसीएन से बात करते हुए कहा कि इस बार बीएसपी परिवर्तन लाएगी। इस बार का चुनाव जो है, पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस बार का जो चुनाव है उसमें हमने 2024 के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर अपनी बीएसपी की पार्टी से जो नागपुर में जिले की दो लोकसभा सीटें आती हैं उनमें से एक नागपुर है और दूसरी रामटेक है, दोनों में अपने पार्टी के कैडर को विश्वास करते हुए दोनों को उम्मीदवार बनाया है। एक उम्मीदवार हमारे नागपुर के तौर पर संदीप मेश्राम जी हैं और दूसरे उम्मीदवार हमारे नागपुर में आने वाली जो रामटेक लोकसभा है उसके तौर पर योगेश लांजेवार जी हैं। दोनों को हमने रामटेक में जो हैं वो संदीप मेश्राम जी हैं और जो नागपुर है उसमें योगेश लांजेवार जी हैं। दोनों को हमने इस हिसाब से टिकट दिया है कि दोनों हमारे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में जो योगेश लांजेवार जी हैं उनकी जो मिसेज हैं वो भी कॉरपोरेटर हैं, तो इस हिसाब से हमने अपनी पार्टी के कैडर पे विश्वास करते हुए उन दोनों को मैदान में उतारा है। देखिएगा, ये बात ठीक है कि वो कद्दावर नेता हैं और केंद्र में भी वो मंत्री के तौर पर हैं, लेकिन कभी भी बीएसपी इस बात से नहीं डरती है क्योंकि बीएसपी से चाहे पूरे देश में कोई भी लोकसभा हो ये सारी स्थिति हमेशा से आती रही हैं, क्योंकि बीएसपी जिन लोगों को हमेशा से कैंडिडेट बनाती है वो लोग आम लोगों के बीच में से आने वाले गरीब मजलूम लोग होते हैं, तो उनके सामने जो कद्दावर की स्थिति रहती है वो बनी रहती है आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, लेकिन बीएसपी हमेशा से अपने वोट बैंक पर विश्वास करती है, अपने अनुयायियों पर, बाबा साहब को मानने वालों पर विश्वास करती है। और उस तौर पर जो हम लोग छोटी छोटी कैडर मीटिंग के माध्यम से जो काम करते हैं उस वोटर के माध्यम से हम लोग हमेशा से अपने कैंडिडेट को बड़ा बनाते हैं और ये हमेशा से होता आया है चाहे कोई भी प्रदेश हो कि हमारे कैंडिडेट्स जो पहले नहीं जाने जाते वो बड़े कद्दावर नेताओं को जब हरा कर इतिहास रचते हैं तब उन वो जाने जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई कद्दावर है, हम हमारे कैंडिडेट्स जीतने के बाद कद्दावर होंगे। रामटेक से हम चुनौती किसी को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वैसे तो चुनाव में चुनौती हर जगह ही होती है, लेकिन हम चुनौती इसलिए नहीं मानते क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे लिए चुनौती ये होती है कि हम अपने वोटर्स को किस तरह से यह बता पाएं कि भले ही आपका कैंडिडेट गरीब वर्ग से आता है, भले ही आपका कैंडिडेट जो है सामान्य पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन हमारी कभी भी चुनौती इस बात को मैदान में लेकर नहीं होती कि सामने वाला किस तरह से आता है, सामने वाला पूर्व में क्या रहा है, सामने वाला वर्तमान में क्या है। हमारे लिए यही चुनौती रहती है किस तरह हम अपने वोटर को समझा पाएँ कि उसे किस तरह सारे षड्यंत्रों से बचते हुए अपनी बीएसपी को वोट करना है, यही हमारी चुनौती और आगे भी यही रहेगी कि हम अपनी वोट बीएसपी के लिए मांगेंगे, ना कि किसी को किसी की महिमा मंडन चाहे कुछ भी हो रहा है उसके उस पर मांगेंगे।